नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। आपका शुक्रिया अदा करने का एक कारण यह है कि जुल्म के खिलाफ आपने घुटने नहीं टेके, आप लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसको व्यवस्थित कर लो ना, बात बात में होता है, पीछे हो जाओ ना, तुम्हें गलत कर लेना, तुम्हें मौका देंगे काम करना, हो जाओ ना, और पीछे हो जाओ, अशोक हो जाओ ना पीछे। ये नेता, ये सब हमारे नेता लोग हैं, इसलिए साथ खड़े रहते हैं। अब आप देख लो, ये नेता लोग हैं तो देख लो, इस बार राणा हो जाओ, हो जाओ, खाली कर दो इसको, इसको खाली करो, जाओ वकील साहब हटो, छोड़ो यार, राणा नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, भाई छोड़ दो ना, कर दी दो उसको, जाने दो मुझे। जब आएगी कहीं से गोली तुमसे नहीं रुकेगी, आज धारावी की ये ऐतिहासिक जमीन, इस धरती को नमन करता हूं और समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं हमारे सभी नेतागणों का जिन्होंने मुझे यहां आने का मौका दिया। भाई जाहिद अली शेख जी, शेख आफताब आलम जी, फहीम सईद जी, नौशाद सिद्दीकी जी, मुल्लो सैयद जी, अतीक अहमद जी, मिर्जा माजिद जी, जावेद अली जी, मिर्जा मिराज शेख जी, परवेज शेख जी, कपिल सलमानी जी, दानिश शेख जी, नूर हसन जी, आरिफ खान जी, नरुलक, शकील शाह, सादात, रंजीत, एस के संरूल, टाइगर सलमान, आजम खान, इमरान शेख, अफजल शेख, जिसान शेख, मोहसिन खान, इरफान अंसारी, ये सब हमारी टीम के लोग हैं, इनका धन्यवाद। हमारी जो लीडरशिप है उनका धन्यवाद। अशोक भाई, कैलाश साहब, हमारी लीगल टीम के साथी वकील साहब नितिन जी, जितने इस मंच पे तमाम पार्टियों के लोग बैठे हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आनंद साहब, जीतू भाई, अविनाश जी, सुनील साहब, अविनाश भाई, अगर ये लोग ना होते तो मैं आपके बीच नहीं होता। भाई इसको रोक दो ना आप थोड़ी देर, मैं आपके उत्साह की कद्र करता हूं, लेकिन अगर आप ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो पहले लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका। ये धारावी में तो आज बहुत दिन बाद आई, धारावी से पहले ये आज अलग अलग एरियों में लगती रही, कभी पुणे में, कभी मुंबई के और जगहों पे, वो एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, अलग अलग बस्तियों को उजाड़ा गया, मेट्रो के नाम पे और कई नामों पे गरीबों की बस्तियों को उजाड़ के अमीरों के लिए शॉपिंग मॉल बनाए गए, अपार्टमेंट बनाए गए, पिंजरे बनाए गए, आप लोग अपनी बारी का इंतजार करते रहे और चुप रहे। खामियाजा ये हुआ कि जैसे मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा कि आग अब आपके घर की तरफ आ गई, जब आज आपके घर की तरफ आए आपको बेचैनी हुई, होनी भी चाहिए, कम से कम आज तो बेचैनी करो। जो लोग यहां बड़े पैमाने पर जुटे हैं वो मुझसे बहुत उम्मीद रखते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया। एक बात मेरे कान में धीरे से ये भी कही गई कि यहां के नेता कॉरपोरेट जाके कौन कौन बिके, कॉरपोरेटर बिके, विधायक बिके, एमपी बिके, तो एमएलए बिक गए, जब सब लोग बिक गए हैं
कुछ लोग होंगे वो किसी कारण से बाहर नहीं आ रहे, तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप भी आ जाओ। मैं आता हूं हर साल भीमा कोरेगांव, भीमा कोरेगांव के ऐतिहासिक विजय स्तंभ को नमन करने के लिए शौर्य दिवस पे। तो फिर इन्होंने 3 तारीख की सभा की परमिशन ली, मैंने इनसे कहा 2 तारीख में ले लो। मैं जितने लोग यहां बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस जमीन को बचाना चाहते हो? हाथ उठा के बताओ जो लोग बचाना चाहते हैं। जो लोग चाहते हैं कि बच जाए वो एक हाथ खड़ा करो, जो लोग चाहते हैं कि जमीन उनके पास रहे वो दोनों हाथ खड़ा करो। ये तमाशबिन लोग हैं जिधर खड़े, जो लोग हाथ नहीं उठा सकते वो लड़ लेंगे क्या? मैं तो तुम्हें चेक कर रहा हूं कि तुम लड़ सकते हो, लड़ सकते हो। दोनों हाथ उठाओ जोर से ऐसे। हाँ, जगाने पड़ते हैं ना, सोए हुए लोगों को जगाना पड़ता है, तब होती बात। देखो मेरी बात, गौर करो, ये रास्ता है क्या बीच में? तो तुम लोग आगे आओ, थोड़ा उसको रास्ते को बना रहना दो, वरना तो बात खराब हो जाएगी। थोड़ी सी जगह बनाओ कि लोग आसानी से आते जाते रहे। मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस के लोगों का भी, जिन्होंने हमें परमिशन दी कि हम अपनी बात यहां रखते और इनकी बात को बल मिले। देखो मैं आपको वापस लेके चलता हूं, जब 14 अगस्त को देश गुलाम था। कब? 14 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए। जब देश आजाद नहीं था, इस देश में बहुत तरह के अधिकार सब लोगों के लिए नहीं थे। लोगों पर रहने के लिए जमीन नहीं थी, अच्छे घर नहीं थे, व्यापार करने की आजादी नहीं थी, अच्छी पढ़ाई के अवसर नहीं थे, तमाम तरह की परेशानियां थी, बिजनेस नहीं कर सकते थे, बहुत बड़े बड़े और जो अवसर है वो उनके पास नहीं थे। लेकिन फिर देश आजाद हुआ 15 अगस्त को, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बदला। 14 तारीख को जिनके पास जमीन नहीं थी, 15 तारीख को उनके पास जमीन नहीं आई। जिनके पास रोजगार नहीं थे, बिजनेस नहीं थे, रोजगार नहीं आए। जिनके पास नौकरी नहीं थी, नौकरी नहीं आई। जिनके पास घर नहीं थे, उनके पास घर नहीं आए। जिनके पास और अवसर नहीं थे, वो अवसर नहीं पैदा हुए। वो अवसर कैसे पैदा हुए? अवसर पैदा हुए जब 26 जनवरी 1950 को देश में भारत का संविधान लागू हुआ। जब संविधान लागू हुआ, वो संविधान इस बात की गारंटी देता है कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान और आगे बढ़ने के अवसर, अवसर की समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, उसकी तरक्की, ये सुनिश्चित करने के लिए लोकतंत्र आया कि जनता चुनेगी कि कैसी सरकार बनेगी। और सरकार जो जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदे, वो जिन पे अधिकार नहीं थे, जिन पे अवसर नहीं थे, जिन पे साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, वो उनको दिलाने का काम करेंगे। फिर करीब से समझो और करीब से समझाता हूं। देश के लोग बड़े भावुक हैं, समझदारी कम दिखाते हैं। क्या ये 5 मिनट के लिए आवाज रुक सकती है क्या? ऐसी जगह परमिशन का क्या मामला है भाई? क्या तो तुम लोग आगे हो जाओ। देखो कोई परेशान होगा, मुझे उससे अच्छा नहीं लगता है। आप आगे हो जाओ और आगे हो, और मैं कहूंगा जिनके दिल में दर्द हो बैठ जाओ। अगर हिम्मत है इस लड़ाई को लड़ने की तो बैठना सीखो, फिर बैठो। अगर हिम्मत है आप लोगों के अंदर, वरना ये दिखावा मत करो। हिम्मत दिखाओ, जिनमें हिम्मत है बैठो। जो पता भी लगता रहे कि कौन इस लड़ाई को लड़ने आया, कौन यहाँ गलत आदमी खड़ा है, पता भी लग जाए, बैठ जाओ। और लोगों कहने के बजाय आप लोग बैठो, ये जो नीला पटका पहन के खड़े बैठो, तभी बात का मजा आएगा। बैठो, औरों को मत कहो, खुद बैठो, पहले बैठना सीखो, बैठो। इधर वाले इधर हो जाओ। ये बाजार है, चलता रहेगा। बैठो ना भाई, बैठो। अगर कुछ लड़ना है तो बैठो। मैं देखो उन्हीं की लड़ाई कहते ना, हिम्मत है मरता तो मदद है खुदा। जब आप हिम्मत करोगे तभी तो मदद होगी ना, पहले आप हिम्मत करो। आपने परमिशन दी तो मैं व्यवस्था की होगी ना। ये क्या है, यहाँ के इंचार्ज कौन है? ये परमिशन दी इसलिए दिए क्या, डिस्टर्ब करने के लिए? अगर कोई गोली चला दे कौन जिम्मेदार लेगा? आप लोग लोगे क्या? मजाक समझ रहे हो क्या? तुम लोग बैठ जाओ।
ये भी पैसे वालों की एक चाल हो सकती है तुम्हारा आंदोलन खराब करने के। बैठ जाओ, तुम लोग अपने जमीन को जिंदा रखो, लड़ने आया तो बैठ जाओ। अभी इनको एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के लोगों को देखने दो कि इनको क्या करना है। ज्यादा डिस्टर्ब करोगे तो इनको लेके पैदल उधर की तरफ को चल दूंगा, सड़क की तरफ को, याद रखना। ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगा। नहीं जानते हो तो जान लो मैं आका बिकाऊ नेता नहीं हूं। अगर अपने पे आ गया तो आज ही सब ठीक कर दूंगा, याद रखना। एक शब्द तक इंतजार किया जाएगा, उसके बाद नहीं। पोलीस प्रशासनानी हा जो रस्ता है ना, येण्या जाण्याचा बंद करून टाका प्लीज। मी बिडकर साहेबांना विनंती करतो, त्यांच्या प्रशासनाला, हे जे लोक येतात जातात ना, बंद करून टाका। फक्त आता एक घंटा राहिलेला आहे, एक घंट्यासाठी धारावीकरांनी कळ सोसावी। तिथे जे पोलीस अधिकारी आता येऊन जाऊन देऊ नका कोणाला प्लीज। इकडे बंद करा पोलीस, नाही तर आमचे कार्यकर्ते उभे राहतील, आमच्या कार्यकर्ते उभे राहतील, आणि कोणालाच येऊन देऊ जाणार नाही। सगळ्यांनी इकडून आता बस करा, येणं जाणं बंद करा आता। ये निकलने दो। ऐसा कुछ चीजें करवानी पड़ती, होती नहीं है, क्या करें, मजबूर है। लोगों के घरों पे आ गए ना, बात करनी पड़ेगी। बैठो ही तुम, ये बैठ जाओ यहाँ, बैठा रास्ता अपने आप ठीक हो जाओ। पीछे हो जाओ, क्योंकि बैठ जाओ, ठीक हो जाएगा अपने आप। हमसे सब करना आता है, हमें बहुत दिन हो गए करते हुए। क्या करवा रहे हो, ये फिर करवा रहे ना कोई काम। तिकडे एसआरपी उभी आहे, फक्त उभा राहायला तुम्हाला प्रशासनाने सांगितलं रे, तिथं अडवा सगळ्यांना। अच्छा, आप लोग चलोगे मेरे साथ सड़क पे? अगर 5 मिनट व्यवस्था नहीं हुई तो मार्च निकालेंगे हम लोग। पोलीस अधिकारी एसआरपी ने तिकडे थांबू आता। जो लोग चला गए, हाथ खड़ा करो जरा एक बार। अब ये रास्ते से कोई नहीं आएगा, रोक दो। एसआरपी वाले उधर खड़े मत रहो, किसी को भी आने मत देना। चलो बैठ जाओ, अब गौर से बात सुननी है। हो जाता थोड़ा सा होता, ये भी सब अपने लोग हैं, ये बेचारे कहाँ के बाहर के लोग हैं, इनको हमारी चिंता है, इसलिए तो यहाँ बैठो, बैठ जाओ। चलो शुरू करें बात। तो मैंने आपको बताया कि जब देश आजाद हुआ तो धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। धन धरती राजपाट में बंटवारा होना चाहिए था। जो लोग गरीब थे उनको अवसर मिलने चाहिए थे, जिन पे जमीन नहीं थी उनको जमीन मिलनी चाहिए थी, जिनके पास बिजनेस नहीं थे उनको बिजनेस मिलना चाहिए था, जिन पे नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, जिन पे आवास नहीं थे उनको आवास मिलना चाहिए था। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। तब से लेकर आज तक जो भी सरकार बनी, हमेशा पैसे वालों के बारे में उन्होंने सोचा। वो पैसे वालों के बड़े बड़े लोन माफ करती है, पैसे वालों को जमीन देती है, बड़े बड़े फैक्ट्री वालों को जमीन देती है, और गरीबों की जमीन को छीनने का काम करती है। आप यहाँ कह रहे हैं कि आपसे वित्त में पूछा नहीं गया, अडानी को दे दिया गया। आप याद करो, जब किसानों के खिलाफ कानून बने, किसानों से नहीं पूछा गया। अभी ट्रक ड्राइवर, तमाम तरह के ड्राइवर सड़कों पे है, ड्राइवरों के खिलाफ कानून बना, उनसे नहीं पूछा गया। जब CA NPR अडानी पे कानून बना तो मुस्लिम भाइयों से नहीं पूछा गया, बुद्धिस्टों से नहीं पूछा गया, ईसाइयों से नहीं पूछा गया। ये सरकारें पूंजीपतियों के गुलाम। अडानी अंबानी ने देश के बहुत सारे चैनल खरीद लिए हैं, इनको अपना प्रचार कराना है। आपकी मेहनत की कमाई, जो टैक्स की कमाई है, उस पैसे से इस देश की सत्ता पे काबिज होना है, आपका खून चूसना है, सरकारों का धर्म बन गया है। और आप देखो, आपके टैक्स के पैसे से चलने वाली सरकार आज आपको उजाड़ देना चाहती है। आप महसूस करो, अभी कितना पैसा खर्च करके सरकार गिराई, इन लोगों ने गिराई या नहीं गिराई? कितने लोगों को ईडी, CBI, इनकम टैक्स से डरा, क्यों डराया? क्योंकि अडानी को आपकी जमीन सौंपनी है। ये 650 एकड़ जमीन है,
ये आपने सी सीज के पे तैयार की, ये कभी बंजर जमीन होती थी, गड्ढे होते थे, आपने इसको तैयार किया, मेहनत की, आज आपने तैयार कर दिया तो उनको बुरा लग गया है। वो आपको इंसान नहीं समझते, गरीबों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, उनको लगता है कीड़े मकोड़ों को शहर से बाहर रहना चाहिए। मैं सरकार को ये बताना चाहता हूं कि भारत का कोई भी इंसान कीड़ा मकोड़ा नहीं है, उसका भी उतना अधिकार है जितना अडानी अंबानी का अधिकार है। सरकार इस बात को याद रखे, ये हमारी जमीन है, आपने जो तय किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको ईमानदार से कहता हूं, अगर आप चाहते हैं लड़ाई लड़ी जाए तो 1 लाख घर है यहां, एक घर से एक आदमी तैयार हो जाओ, सरकार की जमीन खींच लेंगे, अपनी एक की जमीन नहीं देंगे सरकार को। सरकार याद रखे, सरकार को क्या लगता है हम आजाद भारत में गुलाम है? हम गुलाम नहीं है, वो जानते हैं गरीब और कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं। और उनकी असल लड़ाई क्या है, किसी भी देश को अगर कब्जा करना हो, किसी भी देश को गुलाम बनाना हो, तो उस देश की दो चीजों पे कब्जा करना पड़ता है। पहला, उस देश का बिजनेस। याद करो, जब अंग्रेज यहाँ आए तलवार लेके नहीं आए, बंदूक लेके नहीं आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में एक बिजनेस की कंपनी यहाँ लेके आए और धीरे धीरे इस पूरे देश पे कब्जा कर लिया। और एक समय ऐसा आया कि हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए। ये जो आज सरकार में बैठे हैं, ये अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, ये इजराइल से चलते हैं। मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि इनका बाप कौन है। आप याद करो, अडानी अंबानी नहीं है, वो दोबारा से ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए अडानी के रूप में। अडानी के रूप में देश का सारा व्यापार वो अडानी को सौंप दे, एक दिन ऐसा आएगा। ये लड़ाई है, आपके पास जो दुकानें खड़ी हैं, आप पे जो रोजगार है, चाहे चमड़े का हो, चाहे जरी का हो, चाहे किसी और चीज का हो, वो आपसे आपका रोजगार छीनना चाहते हैं, किसानों से उनकी जमीन छीनना चाहते हैं, नौजवानों से उनकी नौकरी छीनना चाहते हैं, वो आपसे आगे बढ़ने का हक छीनना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप अपने पैरों पर खड़े रहे तो उनकी गुलामी स्वीकार नहीं करोगे। अडानी अंबानी नहीं है, याद करो, ये अडानी नहीं है, ये इस देश की गुलामी की पहली तस्वीर है। एक दिन ऐसा आएगा आपकी सारी दुकानें, क्योंकि जीएसटी लग गई है, आपकी सारी दुकानें बंद हो जाएगी और आपकी दुकानों की जगह बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बनेंगे, सुई से लेके और गाड़ी तक उस शॉपिंग मॉल में बिकेगी। और जिस दिन वो शॉपिंग मॉल एक दिन के लिए बंद होगा, आप रोटी रोटी को तरस जाओगे, आपको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, बच्चों के लिए दूध नहीं मिलेगा। ये एक षड्यंत्र है इस देश को गुलाम बनाने का। दूसरा तरीका यह है देश को कब्जा करने का, कि उस देश की सेना पे कब्जा कर लो। इन्होंने अग्निवीर योजना लाके देश की सेना के हौसले कमजोर किए, और इन्होंने अग्निवीर योजना लाके जो समर्पण था राष्ट्रभक्ति का नौजवानों में, उसको कमजोर किया। ये चाहते हैं कि सेना में इनकी विचारधारा के लोग रहें, जो इस सेना के जरिए और बिजनेस पे कब्जा करके इस देश के करोड़ों शोषितों, वंचितों, कमजोरों को, मजलूमों को गुलामों जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर करें। मगर ये भूल गए हैं कि जब फिरौन पैदा होते हैं तो हजरत मूसा भी पैदा होते हैं। ये लोग भूल गए, इनको नहीं पता है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, इनको नहीं पता है फूले साहु का देश है, ये महाराज शिवाजी का देश है, इनको नहीं पता है। हम अपने मरते मिट जाएंगे, अपने खून के एक बूंद चुका देंगे, अपनी जमीन का एक इंच हिस्सा अडानी को, सरकार को नहीं देंगे, ये मेरा ऐलान है। और याद रखना, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, देखो ईवीएम के जरिए सत्ता में आ रहे हैं, ईवीएम को में छेड़खानी करने के लिए नेताओं को, अधिकारियों को तमाम तरह की चीजों को खरीदना पड़ता है, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा आपकी जमीन छीन के, पैसा आएगा आपका कारोबार छीन के, पैसा आएगा आपके मेहनत की कमाई को लूट खसोट के पैसा आएगा, और उस पैसे के जरिए राज करना चाहते हैं। आप तय कर लो, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र पूरी दुनिया को रास्ता दिखाता है, महाराष्ट्र पूरे देश को रास्ता दिखाता है, महाराष्ट्र वो धरती है जिसने क्रांति की ज्वाला पैदा की है, महाराष्ट्र वो धरती है जहाँ भीमा गौरे गांव है, महाराष्ट्र वो धरती है जहाँ चैत्य भूमि है, महाराष्ट्र वो धरती है जिसने गुलामी स्वीकार नहीं किए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मां जिजाऊ के प्रदेश में, देश में आप लोग घबराओ मत। अगर आप इस लड़ाई को जीतना चाहते हो तो मैं आपको रास्ता बताता हूं। मांगे तो आपकी है, आपकी मांगे, ये लोकतंत्र है। अडानी मालिक नहीं है, मोदी मालिक नहीं है, फडणवीस मालिक नहीं है, मालिक आप हैं। और मालिक से उसकी जमीन कोई छीन नहीं सकता, ये धरती हमारी माँ है और हम अपनी माँ की रक्षा करना जानते हैं, ये बात सरकार जान ले। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जन जागरण अभियान चलाओ,
हर घर से एक व्यक्ति तैयार करो, 1 लाख लोग रोज मोर्चा निकालो, 1 लाख लोग रोज सभा करो, अपना जीवन अपनी जमीन के नाम समर्पित कर दो, कुछ दिनों में घुटनों पे आ जाएंगे। आप महसूस करो, किसानों का आंदोलन आपको याद है, 1 साल से ज्यादा किसानों को लगे 13 महीने वो बैठे रहे। लड़ाई एक दिन में नहीं जीती जाती, लड़ाई जीतने में बहुत समय लगता। हिम्मत दिखाओ, ताकत पैदा करो, संगठन बनाओ, एकजुट हो जाओ, भाईचारा पैदा करो, और जो दीवारें जाति धर्म के नाम के नफरत की इन्होंने खड़ी की है उनको गिरा दो। एक दूसरे के अपने बराबर में बैठे व्यक्ति की जाति धर्म मत पूछो, उसका हाथ पकड़ लो, भाईचारा पैदा करो और तय कर लो कि यहां जो कुछ होगा वो हम तय करेंगे, यहां की जनता तय करेगी, धारावी तय करेगी, और धारावी के लोगों को धारावी से कोई निकाल नहीं सकता। अडानी नहीं, अडानी का कोई और जो उसका रिश्तेदार या उसका जो रहनुमा वो भी आ जाए, वो हमसे हमारी जमीन नहीं छीन सकता। ये बात याद रखिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, वो जो न्यूज चैनल रोज नफरत फैलाते हैं, वो जो एंकर बैठे हैं बेचारे मजबूरी में अपना पेट पालने के लिए, वो जो उनके इशारे पे काम करते हैं, उनका एक मकसद ये है। वो किसका काम करते हैं? जनता का तो करते नहीं, जनता के मुद्दों को तो उठाते नहीं। वो मोदी जी का प्रचार करते हैं, वो भाजपा का प्रचार करते हैं, वो विपक्ष को गालियां देते हैं, वो विपक्ष को डराने का काम करते हैं। उनका एकमात्र एजेंडा यह है कि इस देश के मूलभूत सवाल दूर हो जाएं। अगर आप अपनी जमीन बचाना चाहते हो तो मैं स्पेशली उनको कहूंगा जिन्होंने नीले पटके पहन रखे हैं, घर घर निकलो, हर घर से सूची बनाओ, एक आदमी तैयार करो, और अगले 3 दिन में 1 लाख लोगों का मोर्चा रोज लगना चाहिए, कभी इस गली में, कभी उस गली में, कभी उस क्षेत्र में, कभी उस क्षेत्र में, रोज आपका मार्च होना चाहिए। आपके घर से बढ़ के, आपकी जमीन से बढ़ के आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। 4 दिन में अडानी जैसे लोग घुटनों पे आ जाएंगे। और एक और बात, अगर कोई हमारी जमीन छीनने का प्रयास करेगा तो हम भी उसको नहीं छोड़ेंगे। जितने प्रोजेक्ट अडानी के यहां चल रहे हैं उन सब पे कब्जा कर लो जाके, वो हमारी जमीन छीनेंगे, हम उनकी जमीन नहीं छोड़ेंगे। फिर मैं कह रहा हूं आपको, अडानी पैसा कहां से लाता आपको पता है? सरकार उसको लोन देती है, चंद आपकी टैक्स का पैसा जो बैंकों में जमा है वो पैसा वहां से लेता है, उस पैसे के जरिए सरकार को पैसा देता है, यानी कि जनता का पैसा जनता को देके मालिक अडानी बन गया। बताओ, सब उसके तोते बन गए, सब उसके साथ चल रहे हैं। कुछ लोग जिंदा हैं जिनका जमीन जिंदा है, वो ना सरकार से डरते, ना जेल से डरते, ना मुकदमों से डरते। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि कब मुझे मुंबई की जेल देखने को मिले। ये शेर भी जानवर होता है, हम तो इंसान, उसमें भी इंसानियत नहीं होती। सुनो, हम 4 साल से ज्यादा जेल में रहे, और 2-2 बार दिल्ली की जो सबसे बड़ी जेल है एशिया की तिहाड़, उससे भी मास्टर डिग्री करके आए। हमारा एक ही धर्म है कि हमें इंसानों की हिफाजत करनी है, उनके अधिकारों की हिफाजत करनी है, उनकी जिंदगी में बदलाव लाना है। और जो नेता सीबीआई इनकम टैक्स से नहीं डरता उस पे गोली चलती है। मुझे 4-4 गोली मेरे ऊपर चलाई, मेरे जख्म अभी हरे। इनकी गोलियों से मरने वाला नहीं, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों की दुआएं प्रार्थना आशीर्वाद माओ बहने का मेरे साथ है। और अपने मरने से पहले मैं लाखों लोग इस देश में ऐसे तैयार करके जाऊंगा जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह को अपना नेता मानते होंगे, शहीद उधम सिंह को अपना नेता मानते होंगे, अशफाकुल्ला खां को अपना नेता मानते होंगे, वीर अब्दुल हमीद को अपना नेता मानते होंगे। ऐसे ऐसे लोग तैयार करके, बहुत सारे लोग तो तैयार, मैं जीतू भाई से भी कहूंगा, तुम यहां रहते हो मुंबई में, मुंबई के लोगों को तकलीफ होती, तुम क्या करते हो? सुनो, अभी इस मैंने धारावी देखी, वो देखा था ना काला मूवी, आपने देखी क्या काला मूवी? मेरा तब से मन था धारावी आने का, वैसा ही हो रहा है। और तो अच्छा, मगर उनको नहीं पता ना उसमें तो एक काला था। यहाँ तो बाबा साहब अम्बेडकर की धरती पे हर घर में एक काला बैठा, उनको पता नहीं है ना। सुनो, एक काला को दबा सकते थे, रोक सकते थे, इतने तैयार हैं, किस किस को रोकोगे? अच्छा हुआ वो पहले मूवी पहले आ गई कि हमें पता लग गया कि आप क्या करने वाले और किस हद तक जा सकते हो। ये भी याद रखो, वो मूवी आप पे उदाहरण है, और आपको लड़ना कैसे ये भी जान लो। ये लोकतंत्र है, आपके पास वोट की ताकत है, आप चाहो तो अडानी के जो मालिक है उनको भी जमीन चटा दो, उनको भी जमीन चटा दो, आपके पास वोट की ताकत है, ठीक है। डरना बंद करो, घबराना बंद करो, हक के लिए ये अधिकार जो आज हम मोर्चा लगा रहे कौन देता? पुलिस थोड़ा देती है, एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमें संविधान देता है।
हम अपनी जो बात रख रहे हैं अधिकार हमें संविधान देता है, और अगर हम अपने हक के लिए सड़कों पे आते हैं ये अधिकार भी हमें संविधान देता है। जब देश का संविधान हमारे साथ है और देश की रक्षा करने वाले इंस्टीट्यूशन पुलिस और तमाम लोग हमारे साथ हैं, ये भी तो हमारे साथी हैं पुलिस के लोग, इनको भी नहीं पता ना कब ये लोग प्राइवेट हो जाएंगे, नहीं पता ना इनको कब इनकी नौकरी छीन के इनको भी कह देंगे कि अब से आप जो है 20,000 रुपए महीना पे हो, करना हो करो वरना घर जाओ, किसी को नहीं पता ना इस देश में क्या होने वाला है। मैं कह रहा हूं सब खतरे में, हिंदू ना खतरे, मुसलमान ना खतरे में, ये देश खतरे में आ गया आज। ठीक है, अगर इस देश को बचाना तो एकजुट हो जाओ, भाईचारा पैदा करो और तानाशाही ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दो। लोकतंत्र है, आपकी वोट की ताकत के आगे बड़े बड़े सूरमा, आप चाहो किसी गरीब के बेटे कुर्सी बिठा दो और चाहो अडानी के मालिक को जमीन पे पटक दो, आपके अंदर बहुत ताकत है, आप अपनी ताकत को समझो। और मैं कहना चाहता हूं यहां जितने पुलिस के लोग खड़े हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन के वो महलों से नहीं आए, उन्होंने वो भी धूल फाक के इन्हीं बस्तियों से निकले, यहीं से निकले, यहां से निकले होंगे धारावी से तो किसी और धारावी से निकले होंगे, और मेहनत मजदूरी करके उनके माँ बाप ने उनको पाल पोस के बड़ा किया होगा, लेकिन आज देखो कि उनके जरिए हमारे लोगों का दमन कराने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूं कोई कीमत चुकानी पड़े दूसरी धारावी दे, दूसरे धारावी की तरफ आग ना उठे, इसलिए आप ही लोग कमर कस लो, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, अगर गोली भी खानी पड़ेगी, मैं वचन देकर कहता हूं आपको धारावी की धरती पे बाबा साहब अंबेडकर का वंशज होने के नाते अगर गोली खानी पड़ेगी तो चंद्रशेखर आजाद आपसे सबसे आगे रहेगा। मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है, जब जब आप मुझे आवाज दोगे जितना समय लगता है उससे पहले आऊंगा, और मेरे रूप में भाई जीतू जी, भाई कैलाश जी, भाई अशोक जी, भाई सुनील थोराट जी, सुनील गायकवाड़ जी, तमाम हमारे लोग वो चंद्रशेखर बनके आपकी रक्षा करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे। और याद रखना एक अंबेडकरवादी हजारों गुंडों में भारी है, ये भी आप याद रखना। ये इस मुल्क में जो सपना देखा था क्रांतिकारियों ने कि कैसा मुल्क बने, वो अभी नहीं आया, अभी रोटी कपड़ा मकान स्वाभिमान सम्मान का जीवन सबको नहीं मिल रहा है, और लोग बड़ी मेहनत से एक एक पैसा जुटा के प्रयास कर रहे हैं तो भी इनको नहीं पच रहा, ये चाहते चंद लोग राज करें और बाकी लोग मेहनत मजदूरी गुलामी करें। किसकी गुलामी करें, अंग्रेजों से तो हम लोग लड़ लिए थे, लेकिन ये जो अंग्रेजों के भेष में ये जो यहां आज जो है जो लोग राज करें इनसे भी लड़ना पड़ेगा मेरे लोगों। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं एक कल से सूची बननी चाहिए और तीसरे दिन मैं संज्ञान लूंगा इसका, 1,00,000 लोग चाहिए इस आंदोलन को लड़ने के लिए, और बाहर के लोग तो बहुत आएंगे आपकी सुरक्षा रक्षा के लिए। देखो नेताओं को क्या चाहिए आपसे, वोट ही चाहिए ना, तो आपके दोस्त रिश्तेदार भी रहते होंगे ना अलग अलग जगह पे पूरे महाराष्ट्र में, सबको सूचना भेजो ना कि भाई हमारी मदद करो ना, वो लिखना शुरू करें, सोशल मीडिया का युग है आज, जितने लोग बैठे इतने लोग सोशल मीडिया पे लिख दें कि धारावी की 1 इंच जमीन नहीं देंगे हमारे बिना, हमसे पूछे वगैरह अगर कोई चाहेगा तो कल ही कई लोगों की तो नींद हराम हो जाएगी। आप लोग समझो ना अपनी ताकत को समझो, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा, अखबार नहीं दिखाएगा तो अपनी मुंह को साधन बनाओ ना, बोलो ना, रोज बोलो, चिल्लाओ सोशल मीडिया है जो अडानी जियो लाए, अडानी का जियो अंबानी का, अच्छा वो अंबानी ने दिया, जो वो जियो तमाम लाया ना उन्हीं का फायदा उठाओ, सोशल मीडिया तमाम चीजें ना, बोलो अपनी बात को, बनाओ ना अपनी ताकत, इकट्ठे हो जाओ ना, यूनिटी बना के और फिर यूनिटी बना के इसको लड़ो ना। मैं आपको कहना चाहता हूँ ये हर बेटा शख्स आपकी लड़ाई को लड़ने, आप आए हो ना इनके साथ, जरा खड़े हो जाओ एक बार, जो लोग इनकी लड़ाई लड़ने आए जरा एक बार खड़े हो जाओ। अडानी हटाओ, अडानी बचाओ, सुनो पार्टी बैनर पीछे छोड़ के एक दूसरे के हाथ पकड़ो, छोड़ो सब चीजें छोड़ो, ये जंग है, ये जंग है तो इस जंग में सब कुछ जाए जाए, आप लोग भी पकड़ो, बोलो भूल जाओ आपके पास कौन जात धर्म के लोग बैठे, हाथ पकड़ो एक दूसरे के, यही ताकत हमें जिताएगी। जितने लोग बैठे वहां भी बैठे, मैं उनको देख रहा हूं, एक दूसरे कैसे हाथ पकड़ो जैसे इन्होंने पकड़ रखे हैं, अपने बराबर वाले का हाथ पकड़ो, मत सोचो कौन है, बस ये याद रखो कि वो तुम्हारा भाई है जो इस लड़ाई में खड़ा है, वो तुम्हारा अपना है, वो तुम्हारा भाई है, जो तुमसे आज दूर बैठा है वो तुम्हारा अपना नहीं है, जो यहाँ तुम्हारे लिए वो अपना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं लड़ाई लड़नी है तो तरीका एक है, लोकतंत्र जमहूरियत है, 4 दिन में अगर सरकार के कुंडे गोल ना कर दिए और अडानी वापस ना भागता दिखाई दिया तब आप मुझे कहना, अपनी ताकत बना लो, कल से काम में जुटो और हर घर से सूची बना के 1 आदमी की जिम्मेदारी लेके आओ, जिस तरह से आजादी के दीवाने लड़े थे ना अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे लड़ेंगे, जैसे रेस में रुमाल तहरीक चली थी ना ऐसे लड़ेंगे, और ऐसे बलिदान हो जाएंगे अपनी मिट्टी पे कि दोबारा कोई अडानी पैदा नहीं होगा इस देश में, मेरी बात को याद रखना।
और आप क्या क्या नारा दिया आपने? अडानी हटाओ धारावी बचाओ। ए अडानी कौन है? धारावी को, धारावी का क्या कर देगा अडानी? सुनो, मैं कहना नहीं चाहता था मगर फिर कह रहा हूं, शाखाओं को छोड़ दो, पेड़ को काट दो, जड़ी काटो ना, छोड़ो ना, ना जड़ होगी ना अडानी पैदा होंगे, क्यों समझ लेना, मैं जानता हूं ना, जड़ी खत्म करो। तुम लोग ईवीएम पे भी ध्यान रखो, ईवीएम से वोट की चोरी हो रही है, ईवीएम पे भी ध्यान रखो और इनको वोट की ताकत मत दो, देखो ठीक हो जाएगा ना सब। आज की मांगे मैं एक बार पढ़ देता हूं, पूरे देश में जो हमारे लोग रहते हैं उनको भी पता लग जाए कि किस तरह गरीबों की जमीन लूटने का यहां इंतजाम किया जा रहा है। और याद रखना भाई, मैं मीडिया के लोगों को भी कहना चाहता हूं, प्यारे सम्मानित मीडिया बंधुओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, मगर आप याद रखना कि हम बहुत मजबूत संगठन के कार्यकर्ता हैं और हमने कई बार इस सरकार को अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। दिल्ली में हमने कई कई आंदोलन करके सरकार की नींद हराम करके रख दी, चाहे वो एनआरसी का, गृहमंत्री कहते ना एनआरसी लागू होगी, हुई क्या लागू, सब हो सकता है, आप हिम्मत जुटाओ। देखो एक जो गंभीर मांग है वो ये है कि झुग्गी वासियों को 500 वर्ग फीट का निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए और जो लोग 40 भवन में के निवासी है उनको 750 वर्ग फीट का निःशुल्क मकान उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा, जो गैर आवासीय औद्योगिक वाणिज्य उपभोग वाले गांठ धारकों गोदाम मालिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले आकार के गैर आवासीय पुनर्वास गांठें निःशुल्क प्रदान करें। मास्टर प्लान को समझने का आसान प्रोजेक्ट प्लानिंग में प्रकाश लाए, प्रकाशित करें। धारावी में झुग्गी झोपड़ियों के भविष्य की रखरखाव लागत के लिए प्रति पुनर्वास निधि 25 लाख का प्रावधान करें। धारावी में सभी नवस्थापित वाणिज्य औद्योगिक शैक्षणिक संस्थान प्रतिष्ठान में उपलब्ध नौकरियों में धारावी के बेरोजगार युवाओं को 80% आरक्षण प्रदान करें। मध्य रेलवे, हार्बर रेलवे और मध्य रेलवे सटी झुग्गियों पर रेलवे को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उनका सर्वेक्षण करने के लिए डीआरपी या जिला कलेक्टर को भेजा जाना चाहिए। और क्या कोई मांग बची क्या? धारावी का विकास धारावी में होना चाहिए, धारावी का विकास, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि धारावी का जो विकास है वो धारावी में होना चाहिए। इनको 10 किलोमीटर दूर फेंकने की जरूरत नहीं है। सभी झोपड़ी वालों को आवास मिलना चाहिए, चाहे वो कल लगी हो चाहे 20 साल पुरानी हो, क्योंकि हर आदमी टैक्स देता है, चाहे वो झोपड़ी वाला हो या मकान वाला, आप सबसे टैक्स लेते हो तो सबकी सुरक्षा रख रखाव की जिम्मेदारी आपकी है, उनको देने के लिए जमीन आपके पास होनी चाहिए। और हमारे नेता माननीय काशीराम साहब कहते थे कि जो जमीन सरकारी वो हमारी, समझ रहे हो, जो जमीन सरकारी है, जोर से नारा लगा के बताओ, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जब वो जमीन हमारी है तो अडानी कौन होते हैं सर, समझ रहे हो ना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी पूरी रखो, हम लोग आपके साथ हैं। अगर यहां मोर्चा लगेगा तो पूरे देश भर में भी मोर्चा लगेगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। धारावी के लिए हर प्रदेश में, जिला मुख्यालयों पे, प्रदेश मुख्यालयों पे, दिल्ली में भी हम लोग मोर्चा लगाएंगे अगर धारावी के लोग इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। अब ईमानदार से हाथ खड़ा करो, लड़ना चाहते हो बताओ। नहीं, ऐसे नहीं लड़ सकते, ऐसे बोलने वाले लोग नहीं लड़ते। भेड़ बकरिया कोई लड़ाई जीती देखी क्या आपने? भेड़ बकरिया नहीं जीतती, आप योद्धा हो, अपनी ताकत को समझो। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा और पुनः मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, इस आंदोलन को हमारा पूर्ण समर्थन है। और फिर जो मैंने बात यहां दोहराई है, मैं उन सबके लिए संकल्पित हूं, दुनिया में ऐसा कोई नोट नहीं बना जो मेरी राह रोक दे या मुझे खरीद ले। इसलिए बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके इस लड़ाई को, जब जब आप जितनी ताकत से लड़ोगे उतनी ताकत से हम आपके साथ हैं। पुलिस के साथियों से मैं कहूंगा, सरकारें बदलती रहती हैं, सरकारें इनको बनानी है, ये झोपड़ी में रहे या मकान में, कोई ऐसा गैर जिम्मेदाराना काम मत करना सरकार के इशारे पे कि आपको दुख हो। ये लोग गरीब लोग हैं, इनकी दुआओं में, इनकी प्रार्थनाओं में बहुत असर है। कोई ऐसा काम मत करना कि जिससे किसी गरीब का घर उजड़े, कोई ऐसी वो मत करना, हमारा आपका कोई झगड़ा नहीं। मैं आपका धन्यवाद दूंगा, आपने परिस्थिति समझते हुए हालात को सही काबू किया, लेकिन आप समझो आपसे लड़ाई नहीं, अडानी को आने देना,
अडानी आ जाए ना, वर्दी छोड़ के आए ना, वर्दी का हम लोग सम्मान करते, अडानी आ जाए ना उसका स्वागत करेंगे ना हम लोग, अडानी आए ना अपने कुंडे लेके, फिर पता लगेगा अडानी को कैसे होता है। हमारे लोगों को मत बीच में मत रखे ना, अडानी आए कि मैं जमीन को छीनना चाहता हूं तो आओ ना स्वागत, और आइए आ जाते हम भी आ रखे ना, देख लेते आप में कितना दम है। इसलिए आपसे कह रहा हूं, अगर मुंबई झुक गई, धारावी झुक गई, तो ये देश गुलाम होने में देर नहीं लगेगा, धारावी को झुकना नहीं, ये बात आप तय कर लो। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्द देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी, क्योंकि आपको घर में रोक के अडानी को कुछ देने का इंतजाम, मगर याद रखो किसी चीज से नहीं हटेंगे पीछे, किसी भी चीज से नहीं पीछे हटेंगे। आपकी आंख से एक आंसू नहीं टपकने देंगे, खून टपका देंगे अपना, लेकिन किसी भी कीमत पे आपको कमजोर नहीं पड़ेंगे। बहुत धन्यवाद, मीडिया के बंदों का भी धन्यवाद, पुलिस के लोगों का भी धन्यवाद, जिन्होंने परमिशन दी उनका भी धन्यवाद। हमारा आंदोलन का दूसरा चरण यह है कि हम लोग मंत्रालय पे मोर्चा निकालेंगे, पैदल मोर्चा आज नहीं निकाल रहे भाई, परमिशन करके निकालेंगे, बता के निकालेंगे आप लोगों को। आज आपने जो परमिशन दी वही, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, आज नहीं करेंगे, आज इतना ही है। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा ना, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, मिलके इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। तो अगला जो आंदोलन का चरण है वो ये है, क्या चरण, कि हम पैदल मोर्चा मंत्रालय में निकालेंगे और उसमें बैठे हर व्यक्ति को झिझोड़ेंगे कि हमारी इस लड़ाई में साथ आओ। जो आज हमारे साथ नहीं, क्या वो हमारा है क्या भाई? घर से बड़ा क्या होता है, इस घर को बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है ना। अगर इस लड़ाई में कोई हमारे साथ नहीं, वो हमारा हितैषी हो सकता है क्या? बताओ, हो सकता है क्या? तो जो हमारा हितैषी नहीं, उसकी हमें भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अगला मोर्चा लगेगा, आप घबराना मत, मोर्चे में आना, डरना मत, कोई कोई ताकत आपकी जमीन आपसे नहीं छीन सकती, हम सब लोग आपके साथ हैं। आप मोर्चे में शामिल होकर अपनी ताकत को बढ़ाना, जिम्मेदारी अदा करना, और बस एक अपील करना, जैसे हमारे तबलीगी जमात के लोग लगाते हैं ना सुबह जगाने के लिए, ऐसे लोगों को इस मोर्चे से जोड़ने के लिए मदद कराना। ये लोकतंत्र है, जनता ही है ना सब कुछ ताकत। 13 महीने किसान रहे ना, तो अडानी का कर दिया ना, अडानी का इंतजाम तो आप भी तो कर सकते हो ना, समझते हो ना। 700 किसानों की शहीदी पे एक शब्द नहीं था प्रधानमंत्री पे, इतना जोर है अडानी का प्रधानमंत्री पे, लेकिन हम पे नहीं है साहब, ठीक है। ये आपकी स्वतंत्र आवाज है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से मेरे साथ नारा लगाओ, जय भीम, जय भीम, आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय भीम। आज की सभा समाप्त हो गई, जय भीम।